हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग क्लास 7 और 8 का अलजेब्रिक आइडेंटिटी जानने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहने का सिर्फ 7 और 8 क्लास का है, लेकिन आप इसका यूज देखेंगे 9 में 10 में 11 में 12 में और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में होता ही होता है। अब किसी जनरल कम्पिटिशन की भी बात करें तो ये फॉर्मूला जनरली यूज हो ही जाता है। तो देखिए, बेसिकली जो हम लोग के पास दो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आज हम लोग देखेंगे, उससे उसको ड्राइव किस तरह से करते हैं और उसको हम लोग लाते किस तरह से हैं। हम लोग पहले याद कर लेंगे कि a प्लस बी, उसके बाद ड्राइव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसको याद कर लेंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सेम इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए, सिंपल सी बात है, इसको हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं। सबसे पहला बात ये है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसे हम लोग क्यों बोलते हैं। तो देखिए, अलजेब्रिक इसलिए हम लोग बोलते हैं, बेसिकली ये जो दो फॉर्मूले हमने देखे यहाँ पे वो क्या है, अलजेब्रा से रिलेटेड है। आइडेंटिटी हम लोग इसको इसलिए बोल रहे हैं कि ए और बी किसी भी ए और बी के किसी भी वैल्यू के लिए, ए और बी के किसी भी मान के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर इस दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब बोलेंगे सर कैसे सेटिस्फाई करेगा, कहने का मतलब आपका क्या है। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं यहाँ पे पहले इक्वेशन को लेता हूँ, इसको मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी 1 बोल देता हूँ और इसे मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी 2 बोल देता हूँ, ठीक है। इसके डेरिवेशन को भी देखेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले कि a को मान लिया हमने 1 और b को मान लिया हमने 1। तो देखिए, मेरा जो LHS है, तो LHS में क्या लिखा हुआ है हम लोगों के पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है हम लोगों का LHS में। अब देखिए, a का वैल्यू हमने क्या रखा 1, b का वैल्यू हमने क्या रखा 1। देखिए, a और b का किसी भी वैल्यू को रख सकते हैं ताकि ये जो वैल्यू है a प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए, a को रखा हमने 1 और b को भी रखा हमने 1, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब ये कितना होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2। तो देखिए, LHS में आया हमारे पास 4। अब हम लोग RHS को लेते हैं। तो देखिए, RHS में क्या दिया हुआ, RHS में हम लोग के पास दिया हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a का वैल्यू पुट करते हैं तो a हमने क्या लिया है, लिफ्ट किया है हमने a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 1। तो a के जगह हमने रखा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इनटू a के जगह हमने रखा 1 इनटू b, तो b के जगह भी हम क्या रखेंगे 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 इनटू 1 इनटू 1 कितना होगा ये भी 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 2 1 3 प्लस 1 कितना होगा 4। तो देखिए, आपका LHS में भी 4 आया, हमने भी निकाला था, और RHS में भी हम लोगों का 4 आया। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए इसको साइड में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लोग का 1 प्लस 2 प्लस 1 तो कितना आ गया हम लोग का 4। तो इसके बाद इधर है, तो देखिए यहाँ पे LHS में भी हम लोग का 4 आया और RHS में भी 4 आया। तो ये सिर्फ a बराबर 1 और b बराबर 1 के लिए नहीं होगा, a और b का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपका LHS और RHS हमेशा ऊपर वाले के लिए और नीचे वाले के लिए हमेशा क्या होगा सेम आएगा। इसलिए हम लोग इसको आइडेंटिटी बोलते हैं और ये अलजेब्रा के लिए यूज हो रहा है, बेसिकली हम लोग अलजेब्रा स्टडी कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्मूला आते कहां से हैं। तो देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही शानदार तरीके से एरिया का फॉर्मूला के तरीके से इसको समझाया जाएगा ताकि आप उसका स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन से देखते हैं। तो देखिए, मल्टीप्लीकेशन में यदि हम लोग देखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में हम लोग के पास क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब किसी भी चीज का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये नंबर को हमको दो बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब a प्लस बी और a प्लस बी।
ए प्लस बी का हम लोगों को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, दो बार, ए प्लस बी का ए प्लस बी के साथ, इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन किस तरह से करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करने में क्या होता है, बहुत कोई गलती करता है सिर्फ एक आई के साथ कर देगा और बी को बी के साथ कर देगा और बोलेगा हो गया मल्टीप्लीकेशन, नहीं, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लीकेशन नहीं करते हैं। यहाँ पे समझिए ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर है और ये भी पूरा एक ब्रैकेट के अंदर है, तो ये पूरा ब्रैकेट इस पूरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे समझिए कि पहले हम क्या करेंगे, जो ए लिखा हुआ इसको पूरा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ए प्लस बी के साथ, ठीक है, ए को हम लोग करेंगे ए प्लस बी के साथ। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो प्लस बी लिखा हुआ है प्लस बी, इसको करेंगे इस पूरा के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो इस प्लस बी का हमने किया ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लीकेशन, गुना करते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पे क्या होगा, इस ए का गुना होगा इसके साथ और इस ए का गुना होगा इस प्लस बी के साथ, ए का गुना करेंगे हम लोग ए के साथ, तो क्या आएगा हम लोग के पास, आप लोग बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी प्लस लिखा हुआ, सब जगह तो प्लस ही है, तो प्लस ही आने वाला है, और ए और बी मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे ए बी, ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन होगी। अब ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लीकेशन मैं किस तरह से कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन में गलती नहीं कर रहे हैं आप लोगों को। अब इस बी को हमने किया ए के साथ और इस बी का फिर से हम लोग करेंगे इस बी के साथ, तो देखिए बी का ए के साथ जब मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस है, तो क्या होगा प्लस बी ए, और प्लस बी मल्टीप्लाई होकर कितने होंगे प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम लोगों का यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे बी है, अब आप बताइए 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 क्या ये दोनों सेम होता है, बोलेंगे हाँ सर 6 होता है, तो सेम उसी तरह ए इंटू बी ए बी और बी इंटू ए बी ए दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बराबर होंगे, तो यदि बराबर हैं तो ए बी और बी ए आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, और जुड़ के कितना बन जाएगा 2ab a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हम लोगों का फॉर्मूला किसका a प्लस b का होल स्क्वायर का, ठीक है, यही फॉर्मूला था हम लोगों के पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। किस तरह से लाया हमने, मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक, मल्टीप्लाई करते आगे। अब हम लोग इसको देखते हैं एरिया के हिसाब से किस तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि मल्टीप्लीकेशन किस तरह से करना है, एक एक करके मल्टीप्लाई करना है, इसको पूरा एक के साथ फिर इस एक को पूरा एक के साथ, इस ये ब्रैकेट पूरा इस पूरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोग देखिए इसी फॉर्मूला को हम लोग दूसरे तरह से भी ड्राइव कर सकते थे, आप लोग अपने साथ कॉपी और पेन डाल के रखिए, इसे नोट भी करते रहिएगा ताकि आपको फिर से लिखने का जरूरत ना पड़े, आपका कैलकुलेशन सब कुछ सही से हो। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर लाना है हम लोगों को, ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हम लोग लेते हैं एक स्क्वायर, क्या लिया एक स्क्वायर, ठीक है, जिसका सारा साइड कितना था ए, सारा साइड कितना था ए, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, बी लेंथ इधर बढ़ा दिया, इधर से बी लेंथ बढ़ा दिया हमने, और सेम इसी तरह बी लेंथ इधर बढ़ा दिया हमने। अब देखिए बी लेंथ हमने बढ़ा दिया, तो देखिए अब हम लोग इसको यदि मिलाते हैं, इस बी लेंथ को हम लोगों ने बढ़ा दिया, तो देखिए इसमें टोटल 4 पार्ट हो गए इसके, देखिए यहां से तोड़ दीजिए तो टोटल कितने पार्ट हुए 4, एक इसे मैं 2 बोल देता हूं, इसे मैं 3 और इसे मैं 4, ठीक है। तब देखिए ध्यान दीजिए कि एक बड़ा स्क्वायर बन चुका है जिसे हम लोग वर्ग बोलते हैं, जिसकी साइड जो है भुजा जो है वो है ए और बी, मतलब ए प्लस बी। अब मैं बोलता हूं कि यदि इस बड़े का फॉर्मूला निकालना है, बड़े का एरिया निकालना है हम लोगों को, तो आप बोलिएगा सर बड़ा जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वो क्या होता है भुजा का स्क्वायर, या फिर हम लोग बोलते हैं उसे साइड का स्क्वायर,
क्या बोलते हैं साइड का स्क्वायर, मतलब साइड इनटू साइड। तो ये एक रेक्टेंगल, एक हम लोगों के पास स्क्वायर है, वर्ग है, जिसका एक साइड ए और बी। तो यदि मैं देखूं ये टोटल तो कितना होगा हमारे पास, ए प्लस बी। सेम उसी तरह ये कितना होगा हमारे पास, ए प्लस बी। तो साइड हुआ हम लोगों के पास ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। सेम इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसी स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए मैंने इसे एक दो तीन और चार पार्ट में डिवाइड किया। यदि मैं इंडिविजुअल का मतलब सबका अलग अलग एरिया निकाल लेता हूँ और सबको जोड़ देता हूँ तो ये पूरा स्क्वायर का एरिया होगा। तो हाँ, तो सेम उसी तरह मैं सबका एरिया निकालता हूँ। देखिए पहला का एरिया कितना हुआ हम लोगों के पास, ये जो पहला रीजन है इसका एरिया, एक स्क्वायर है जिसका साइड ए दिया हुआ है। तो स्क्वायर का एरिया अभी हमने देखा साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। तो पहला जो था उसका एरिया आ गया ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दूसरा रीजन, तो दूसरा रीजन आप ध्यान दीजिए, ये टोटल कितना है हम लोगों के पास यहां से यहां तक ए, और ये कितना है बी। तो जो दूसरा रीजन है मेरे पास उसका एरिया क्या होगा, तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है मेरे पास। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, जिसे हम क्या बोलते हैं आयत, क्या बोलते हैं आयत। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, या फिर हम लोग बोलते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, एल इनटू बी। तो इसकी लंबाई की यदि मैं बात करूं तो इसकी लंबाई कितनी है ए और इसकी चौड़ाई कितनी है बी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा ए इनटू बी। अब तीसरे रीजन की यदि मैं बात करूं तो तीसरा रीजन भी आप गौर कीजिए, तो ये भी क्या है एक रेक्टेंगल है। तीसरा रीजन भी क्या है, एक रेक्टेंगल एक आयत है जिसकी एक साइड है ए और एक साइड है बी। तो इसका भी एरिया यदि मैं कैलकुलेट करूं तो क्या होगा हम लोगों का एरिया एल इंटू बी, तो ए इंटू बी होगा हम लोगों के पास, ठीक है। अब पहला दूसरा तीसरा तीन रीजन हो चुका है, लास्ट रीजन मेरे पास बचा हुआ है फोर्थ। फोर्थ रीजन को यदि हम लोग देखते हैं तो देखिए फोर्थ रीजन का एरिया कितना होगा, तो ये हम लोगों के पास यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो है बी, तो ये भी होगा बी, और यहां से यहां तक का लेंथ बी है तो ये भी होगा हम लोगों का बी। तो इसका मतलब ये जो छोटा है ये क्या है मेरा स्क्वायर वर्ग है। तो इसका एरिया की अगर मैं बात करूं तो साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर मतलब क्या होगा बी का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर। अब इस यदि मैं चारों को जोड़ देता हूं तो ये बड़ा जो स्क्वायर है उसके एरिया के बराबर आ जाएगा। तो इसे हम लोग जोड़ते हैं, तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए पहले स्क्वायर का एरिया है मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग जोड़ते हैं तो देखिए ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है मेरे पास वो किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस चार को जोड़ना है तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी कितना होता है ए बी, प्लस यहां पे भी है ए इंटू बी, ए इंटू बी, तो मतलब फिर से क्या होगा ए बी प्लस बी का स्क्वायर चौथा रीजन, तो बी स्क्वायर, चारों को हमने क्या किया जोड़ दिया। अब आप गौर कीजिए ए बी और ए बी क्या होगा टू ए बी, क्या होगा टू ए बी, मतलब फिर से आ गया हम लोगों के पास ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी को हम लोग खोज रहे थे तब से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इस तरह से भी इसका डेरिवेशन को देख सकते हैं, एरिया के हिसाब से कैलकुलेट किया हमने, ठीक है, और हम लोग मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से तो देख ही चुके थे। तो ये था हम लोग का पहला आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी को देखने का कोशिश करेंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन के थ्रू और फिर एरिया के थ्रू। तो देखिए सबसे पहले तो सिंपल हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन के थ्रू। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन के थ्रू यदि हम लोग देखते हैं तो पहले मल्टीप्लीकेशन से पहले एक सिंपल तरीका देखिए, हमें क्या चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे देखिए प्लस और यहाँ पे सिर्फ माइनस, मतलब सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, एक जगह प्लस है और एक जगह क्या है माइनस है, तो मतलब इस प्लस को मुझे माइनस करना है। तो मैं प्लस को माइनस कैसे कर सकता हूँ, बी को मैं क्या करता हूँ ऊपर वाले फॉर्मूला में माइनस बी से रिप्लेस कर देता हूँ, बी को मैं क्या कर देता हूँ माइनस बी से रिप्लेस कर देता हूँ।
अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो था मेरा वो किस तरह से दिखेगा हम लोगों को, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, b को हम लोग इसे रिप्लेस कर दिए माइनस बी से, इज इक्वल टू क्या होगा देखिए, a का स्क्वायर यहाँ पे तो है ही नहीं मेरा b, प्लस टू इंटू ए इंटू यहाँ पे है b, तो b क्या होगा माइनस बी से रिप्लेस होगा, प्लस b का स्क्वायर है तो b के जगह हम लोग रखेंगे माइनस b का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ प्लस और माइनस, यहाँ प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होंगे माइनस हो जाएंगे। हाँ तो देखिए हम लोगों के पास a माइनस, मैंने क्या किया प्लस और b के जगह क्या रखें हम लोग माइनस b रखें, तो प्लस और माइनस में क्या बन जाएगा माइनस, तो a माइनस b का होल स्क्वायर हुआ हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों के पास क्या है, a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो गया आपस में, तो क्या हो गया माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी प्लस हम लोगों के पास है माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिए माइनस बी का होल स्क्वायर है मतलब माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस बी और माइनस बी दो बार मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे हमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बी का हो जाएगा बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली मेरा प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ हो गया हम लोगों का बी स्क्वायर। अब देखिए यही फॉर्मूला है हम लोगों का ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया हम लोगों का। अब हम लोग इसको देखते हैं मल्टीप्लीकेशन के थ्रू, देखिए मल्टीप्लीकेशन के थ्रू क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसका मतलब क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब होगा a माइनस बी कितने बार दो बार a माइनस बी और a माइनस बी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इस a का मल्टीप्लिकेशन इस पूरा के साथ होगा, तो इस a का पूरा के साथ मल्टीप्लिकेशन a माइनस बी और इस माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन इस पूरा के साथ, तो इस माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन किया हम लोग a माइनस बी के साथ, ठीक है। अब यदि हम लोग मल्टीप्लिकेशन करें तो a और a मल्टीप्लाई होंगे क्या बनेंगे a स्क्वायर, और a और माइनस बी देखिए यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस ए बी। अब सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए बी और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर में यहाँ पे ए लगा हुआ मतलब माइनस लगा हुआ है और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस फिर से माइनस लेकिन बी ए, और यहाँ पे देखिए माइनस बी और माइनस बी, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो क्या हो जाएंगे प्लस, और बी इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों के पास माइनस ए बी और माइनस बी ए लिखा हुआ है, तो माइनस ए बी अभी हमने देखा था कि ए बी और बी ए जो है पिछले फॉर्मूला में ये दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं, दोनों का साइन भी सेम है, यहाँ पे माइनस है और माइनस है तो आपस में क्या होंगे जुट जाएंगे। सब्ट्रैक्ट कब होते हैं जब एक प्लस और एक माइनस होता है, या फिर एक माइनस और एक प्लस मतलब प्लस माइनस ऑपोजिट साइन के होंगे, तो यहाँ पे दोनों साइन क्या है सेम है तो दोनों आपस में क्या होंगे जुट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से हम लोगों के पास आ चुका है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये था हम लोगों का मल्टीप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। अब इसी को हम लोग एरिया के थ्रू प्रूफ करके देख सकते हैं, देखिए एरिया के थ्रू हम लोग किस तरह से प्रूफ करेंगे इसको, हम लोगों के पास क्या है हम लोग मान रहे हैं एक स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर लिया हमने जिसका साइड कितना है ए, साइड कितना है ए, इसमें से हम लोगों ने क्या किया जैसे बी इधर, बी यूनिट यहां से और बी यूनिट इधर से, दोनों तरफ से बी यूनिट हमने क्या किया यहां से कट कर लिया, बी यूनिट इधर से कट कर लिया और बी यूनिट इधर से कट कर लिया। अब देखिए जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह यहां पे भी हम लोगों का बन गया चार पार्ट, तो आप यहां पे ध्यान दीजिए टोटल ए था मेरा, ठीक है टोटल ए था मेरा, तो टोटल यदि ए था तो सिर्फ ये वाला पार्ट कितना होगा, तो देखिए टोटल ए था और ये बी है तो ये पार्ट कितना हो जाएगा ए माइनस बी। सिमिलरली जैसे मैं बात करूं यहां पे तो ये टोटल ए था मेरा, एक स्क्वायर लिया था जिसका ये लेंथ कितना है साइड कितना है ए, इसमें से b हमने हटा दिया तो बचा कितना a माइनस बी, यहां से यहां तक की बात यदि हम लोग करें तो a माइनस बी। अब हम लोगों को क्या निकालना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है a,
तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का हमको प्रूफ करना था, तो हमने क्या किया, एक स्क्वायर लिया जिसका साइड a था, उसमें क्या हमने क्या किया b कट कर लिया, इधर से b और इधर से भी b कट कर लिया। तो b यदि हम लोग कट कर लेंगे यहाँ से और इधर से भी b कट कर लेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे भी हम लोगों का चार पॉइंट डेवलप हुआ, 1, 2, 3 और यहाँ पे हम लोगों का 4, जिस तरह हमने माइनस बी का होल स्क्वायर का ड्राइव किया था। अब देखिए ये बड़ा हम लोगों का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ A B C D, ठीक है। ये स्क्वायर, इसका एरिया यदि मैं बोलता हूँ तो कितना होगा, ए का स्क्वायर होगा, ठीक है। ए का स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर है जिसका साइड ए है, तो जब साइड ए है तो एरिया कितना होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड हो गया ए इंटू ए, ए स्क्वायर हो गया। अब यही जो एरिया है इस चारों के मिलने से बनता है, देखिए ये पूरा जो रीजन है इस चारों के मिलने से बन रहा है, तो इस चारों के मिलने से बन रहा है। यदि मैं बोलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए हम लोगों के पास कितना था, पहला पार्ट का एरिया मैं निकालता हूँ, तो पहला पार्ट आपको क्या दिख रहा है, देखिए एक स्क्वायर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है स्क्वायर, क्योंकि देखिए इसका साइड ए माइनस बी और इसका साइड ए माइनस बी और 90 डिग्री तो बनी है, तो ये हुआ हम लोगों का स्क्वायर। तो पहला पार्ट का यदि एरिया की मैं बात करूं, तो पहला पार्ट का एरिया क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरा पार्ट का एरिया यदि मैं बात करूं, तो देखिए ये क्या हम लोगों के पास रेक्टेंगल है, आयत है, ये लेंथ कितना है ए माइनस बी और ये लेंथ कितना हम लोगों बी, तो दूसरे पार्ट का एरिया कितना हुआ, ए माइनस बी इंटू बी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी इंटू बी, ये हुआ हम लोगों का दूसरे पार्ट का एरिया। ये देखिए तीसरे पार्ट का एरिया की मैं बात करूं, तो तीसरे पार्ट का एरिया टोटल ए था, टोटल ए था और यहाँ से यहाँ तक बी था, तो ये जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक वो कितना हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ और ब्रेड से यदि मैं बात करूं तो कितना है बी, ए माइनस बी इंटू बी हुआ हम लोगों के पास, मतलब फिर से होगा हम लोगों के पास ए माइनस बी इंटू बी, ए माइनस बी इंटू बी प्लस चौथे पार्ट का एरिया यदि मैं बात करूं, तो ये फोर्थ पार्ट, तो ये बी और ये बी है, तो एक स्क्वायर है जिसका एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड, मतलब बी इंटू बी, तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास बी का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया हम लोगों के पास बी का स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों के पास क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये a माइनस बी इंटू बी और a माइनस बी इंटू बी कितने बार है, दो बार, तो इसको हम लोग 2 times लिख सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या करते हैं 2 times लिख देते हैं, 2 times a माइनस बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हम लोग के पास क्या होगा, इधर हम लोग a स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, देखिए 2 into b हुआ हम लोग के पास 2b और a माइनस बी है हम लोगों के पास। अब हम लोग अगले लाइन में चलते हैं, तो देखिए हम लोगों का 2b का मल्टीप्लीकेशन a के साथ कितना होगा और 2b का मल्टीप्लीकेशन फिर से माइनस बी के साथ, ये हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग के पास हुआ a स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए 2b और a के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा 2ab, ठीक है, और ये 2b माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा माइनस 2b स्क्वायर और हम लोग बात है प्लस बी का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए क्या होगा हम लोगों के पास, तो देखिए हम लोगों के पास क्या होगा, यदि मैं बात करूं तो ए स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर इसको हम लोग क्या करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर को उधर ही रहने देते हैं और इस प्लस 2ab को मैं बराबर के इधर लेके आऊंगा, तो क्या होगा -2ab, और यहाँ पे आप देखिए -2b² और +b², यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा हम लोगों के पास, तो -2b² +b² आपके पास आएगा -b का स्क्वायर, कितना आएगा -b का स्क्वायर, और यदि -b का स्क्वायर को मैं बराबर के इधर लेके आता हूँ तो कितना होगा हम लोगों के पास +b का स्क्वायर। देखिए प्लस 2ab को मैंने इधर लाया तो हुआ -2ab और ये दोनों मिलके -b² हुआ, ये इधर आया तो हुआ +b², तो बराबर में उधर सिर्फ क्या बचा हम लोगों के पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हुआ हम लोगों का a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने एक मल्टीप्लीकेशन के थ्रू भी देख लिया इसका प्रूफ,
और एक एरिया के थ्रू भी देख लिया हम लोगों ने इसका प्रूफ। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा हमने देखा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो अलजेब्रिक आइडेंटिटी को हमने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की। ठीक है, आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और यदि आप चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। धन्यवाद, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।